सही कहा है किसी ने, सबसे ज्यादा बोझ होता है सबसे छोटे जनाजों का। ये मां बाप तो आए थे अपने बच्चों को लेकर, अपने मासूमों को लेकर, मगर वापस गए उनकी लाशें। 100 से ज्यादा मासूमों की मौत, क्या यह वजह नहीं है बिहार में इन इलाकों में आपातकाल घोषित करने का? क्या यह वजह नहीं है कि इसकी सुध ली जाए? क्योंकि हर कहानी, हर दास्तान यही कह रही है कि अस्पतालों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, मगर फिर भी हमारे नेता जो हैं अपनी उदासीनता की नींदों से जाग क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि ये नेता खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उबासियां ले सकते हैं, जम्हाई भर सकते हैं। ये नेता खुलेआम जब राज्य इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है, इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, खुलेआम पत्रकारों के सामने ये पूछ सकते हैं स्कोर क्या हुआ है? स्वास्थ्य मंत्री जी, स्कोर हुआ है 100, 100 से ऊपर का स्कोर हुआ है और अब भी आपको स्कोर की याद आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1.5 दशक से ज्यादा यहां के मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री, मगर क्या आप जानते हैं कि इस 1.5 दशक में, इन दशक से ऊपर के समय में एक बार भी मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में नहीं आए? आखिरकार 10 से 15 दिनों बाद नीतीश जी पहुंचे। इनके ट्विटर हैंडल को देखिए आप, रामनाथ कोविंद से इनकी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात हुई, उसकी चर्चा है, बाकी तमाम चीजों की चर्चा इनके ट्विटर हैंडल पर, मगर इन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। अब जाकर इन्होंने सुत ली है उन मां बाप की, अब जाकर इन्हें उन छोटे जनाजों की याद आई है। एक मौके की गरिमा होती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, एक 1857 के मंगल पांडे थे जिन्होंने गदर मचाई थी, और अब ये मंगल पांडे। जी हां, मौके की गरिमा होती है, मगर इस मौके पर भी क्रिकेट से इनकी जो मोहब्बत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा, ये है उनका ट्वीट। मगर जानते हैं उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या, यहां पर आप देखिए इन्हें, ये हर्षवर्धन के साथ बैठे हुए हैं जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अश्विनी चौबे हैं इनके साथ जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और यहां पर भी इन्हें इस बात की फिक्र है कि कितने विकेट गिर गए। 4 विकेट। मुलाकात कीजिए इनसे। अश्विनी चौबे कहने को स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इनका एक और परिचय आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले भागलपुर में इनके सुपुत्र जो हैं बगैर इजाजत लिए इन्होंने एक रैली निकाली थी, नतीजा बिहार में एक अरसे बाद दंगे हुए थे। तब माननीय अश्विनी चौबे अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भिड़ गए थे, साथ मिला था गिरिराज सिंह का, मगर आप क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब खुलेआम अश्विनी चौबे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन संबोधित कर रहे हैं सो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, इन तीनों तस्वीरों में स्पष्ट है कि न सिर्फ अश्विनी चौबे बल्कि उनके साथ ये एक और शख्स बैठे हुए खुलेआम सो रहे हैं। ना इनको इस बात का डर है कि उनकी शर्मनाक तस्वीर को मीडिया कैद कर रहा है। और आप जानते हैं जब संसद भवन में इनसे पूछा गया कि अश्विनी चौबे जी आप सो क्यों रहे थे, तो इनका कहना था मैं चिंतन मनन कर रहा हूं। यह फैसला आपको करना है दोस्तों, ये चिंतन मनन कर रहे थे या क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सोते हुए तो मैं मनन और चिंतन भी करता हूँ ना, तो आप मनन चिंतन कर रहे थे? जरूर 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 जरूर, आप सो नहीं रहे थे? नहीं नहीं। आज हम सिर्फ इन संवेदनहीन राजनेताओं की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस बड़ी इतराजगी की वजह क्या है। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं इस कार्यक्रम में कि आखिर इस दिमागी ज्वर, इस एक्यूट इंसेफलाइटिस से मेरा अपना क्या नाता है। जी हां, 2017 से मैं इस खबर को नहीं भूल पाया जब हमने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में वो दर्दनाक तस्वीरें देखी थी। मगर अगर हम बात बिहार की करें तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 2018 में यह आंकड़ा सिर्फ 7 का था, यानी कि सिर्फ 7 मौतें हुई थी, मगर आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं यह आंकड़ा 100 के पार कर चुका है। इसकी वजह क्या है,
हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इसकी वजह क्या है, और अगर इन वजहों पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये बड़ी त्रासदी, ये बड़ी आपदा, इसे हम टाल सकते थे। सबसे पहली वजह, बढ़ती गर्मी। दोस्तों, इस वक्त न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, और इस हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से यह बीमारी जो है वो और भी ज्यादा उग्र रूप अख्तियार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 से 2014 के बीच 970 मौतें हुई थी, और जब बारिश आई थी उसके बाद हालात थोड़े बेहतर हुए थे। तो वजह नंबर एक, जबरदस्त हीट वेव जिसके चलते ये मौतें हुई थी। और अब बारी दूसरे अहम कारण की बात करने की, पोषण कार्यक्रमों की कमी, यानी कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की कमी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। नतीजा क्या हुआ है कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं उनके साथ किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है, और उनके साथ तालमेल के चलते जो तमाम कार्यक्रम चलाए जाने थे अलग अलग इलाकों में, वो कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, क्रिकेट फैन मंगल पांडे जी का क्या कहना है, वो कहते हैं कि एक्यूट एंसेफलाइटिस से प्रभावित इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम नहीं है। वो मान रहे हैं एक ऐसा राज्य जिसने 2014 में 355 मौतें देखी थी, वहां का स्वास्थ्य मंत्री ये मान रहा है कि इस तरह के कोई कार्यक्रम मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि मौत की बड़ी वजह हाइपोग्लाइसीमिया होती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? दरअसल हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब आपके ब्लड में, आपके खून में शुगर की कमी होती है, जी हां, और उसी के चलते बच्चों की मौत हो जाती है। अब मंगल पांडे कहते हैं कि हम पता लगा रहे हैं कि इसे कैसे संबोधित किया जाए। अब तक हम आंगनवाड़ी वर्कर्स पर निर्भर थे जो कि इसे संबोधित करते थे, मगर हमारे पास किसी तरह का कोई वैकल्पिक कार्यक्रम मौजूद नहीं है। है ना ये शर्म की बात? एक ऐसा राज्य जिसने इतनी बड़ी त्रासदी से पहले भी देखी है, एक ऐसा राज्य जिसके साथ उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने एंसेफलाइटिस का कहर देखा, उस राज्य में किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी बड़ी वजह की, और तीसरी बड़ी वजह है जागरूकता अभियानों की कमी। क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को बड़े पैमाने पर मार्च और अप्रैल के महीने में जागरूकता अभियान चलाना था इंसेफ्लाइटिस को लेकर, इन तमाम इलाकों में जहां पर हमने इतिहास में बड़ी तादाद में मौतें देखी हैं। मगर क्या आप जानते हैं ये तमाम जागरूकता अभियान जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सके। अब आप बताएंगे क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों। इसकी बड़ी वजह यह है कि उस वक्त बिहार लोकसभा चुनाव के जोश में डूबा हुआ था, तो कैजुअलिटी क्या थी? वो थी एंसेफलाइटिस को लेकर जागरूकता अभियान, यानी कि हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी है सियासत। अब आप पूछेंगे इस जागरूकता अभियान में जो बुनियादी बातें जिसको लेकर बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा जाना था वो क्या था, वो मैं आपको बताता हूं। मुद्दा नंबर एक, तमाम मां बाप को यह बताया जाए कि वो अपने बच्चों को पूरे बाह के कॉटन शर्ट्स पहनाएं ताकि उन्हें धूप ना लगे। जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, जब हीट वेव होती है, जब ज्यादा धूप होती है, तब बच्चों को यह बीमारी होती है। मुद्दा नंबर दो, खाली पेट बच्चे ना सोएं, क्योंकि क्या होता है जब लो ब्लड शुगर होता है उससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और जब लो ब्लड शुगर होता है उसी के चलते अधिकतर बच्चों की मौत सुबह सुबह हो जाती है, क्योंकि रात को वो कुछ खाते नहीं है, सुबह उनका ब्लड शुगर गिर जाता है जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। मुद्दा नंबर तीन, ORS पैकेट्स। जहां इन तमाम इलाकों में ORS के रक्षक घोल को वितरित किया जाना था जो कि नहीं हुआ, जिसके चलते ऐसा हुआ है। और अब बात करते हैं हम अपनी अगली बड़ी वजह की, वो है प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही किसी को इसके लक्षण दिखाई देते हैं ना, तमाम मां बाप जो हैं इन बच्चों को ले जाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। अब बिहार में दिक्कत यह है कि जो तमाम प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, यहां दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, बिस्तरों की कमी, यानी बच्चे लाए तो जाते हैं मगर उनको लिटाया कहां जाए, बिस्तरों की कमी। दूसरा, एक जो बुनियादी यंत्र होता है ग्लाइकोमीटर, इससे यह पता चलता है कि बच्चे में शुगर की कितनी कमी है।
ये तमाम चीजें मौजूद ही नहीं है, और जब ये तमाम चीजें मौजूद ही नहीं है तो इनका उपचार कैसे होगा? ऐसे में इन्हें जो बड़े अस्पतालों तक लाते लाते वक्त निकल जाता है, और जब तक ये पहुंचते हैं तब तक देर हो जाती है। और अब बात करते हैं अपनी अगली वजह की, और अगली वजह क्या है? बीमारी से जूझने के लिए बड़े अस्पताल की कमी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक अस्पताल है और वहां पर भी कई बुनियादी समस्याएं हैं। नंबर एक, यहां पर वायरोलॉजी लैब्स नहीं है, वायरोलॉजी की प्रयोगशालाएं नहीं है, आईसीयू की कमी है, पीडियाट्रिक आईसीयू की कमी है, क्योंकि जब इतने बड़े तादाद में मरीज वहां पहुंचते हैं तो उनका उपचार कैसे हो, उन्हें किस तरह से दाखिल किया जाए, ये तमाम चीजें मौजूद नहीं है, जो कि नीतीश बाबू के सुशासन में साफ तौर पर मुंह बाहे आपके सामने खड़ी हुई हैं, मगर पिछले 14 साल से इसे किसी ने संबोधित नहीं किया। अब बताइए, क्या हमारे बच्चों की परवाह है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारे राजनेताओं को? क्योंकि आप और हम वोट तो दे देते हैं, मगर जब बारी आती है तो ये हकीकत हमारे सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यह बीमारी 2 साल पहले गोरखपुर में सामने आई थी, जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मां बाप अपने बच्चों की लाशें बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर जा रहे थे, तब से लेकर अब तक यह बीमारी और इससे जो तमाम मौतें होती हैं, इस सब ने हमें हिलाकर रख दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में मैं सबसे पहली बार आया था जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, और उस वक्त योगी सरकार की राजनीतिक उदासीनता सामने उभर कर आई थी। सुनिए, हैदम योगी सरकार से यह पूछना कि आखिर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री के बीआरडी अस्पताल जाने के बावजूद 60 बच्चों की बलि कैसे चढ़ गई? हैदम पूछने की कि गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट के ऑन रिकॉर्ड कबूलने के बावजूद मौत, ऑक्सीजन सप्लाई कटने की वजह जो बताई गई, आखिर योगी सरकार ये क्यों कह रही है कि मौत ऑक्सीजन कटने से नहीं हुई, जब पुष्प गैस कंपनी के मुलाजिम ने कह दिया है कि हम फरवरी 2017 से बीआरडी अस्पताल को बाकायदा कह रहे हैं, 68 लाख रुपए का बाकाया बिल है, उसकी आप भुगतान कीजिए, उसकी हम अपील कर रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर योगी सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि मौत ऑक्सीजन कटने से नहीं हुई है? क्या तुमने इस सरकार को इस शर्मनाक झूठ के लिए कटघरे में रखने की हिम्मत है अभिसार शर्मा? क्या तुम बाकी गैर बीजेपी राज्यों की तरह यहां मुहिम चलाओगे या 30 घंटों में खामोश हो जाओगे? और इस खबर को मैं भूला नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं उस वक्त एबीपी न्यूज में काम कर रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि जो बच्चे बच जाते हैं उनकी क्या हालत होती है, या इस बीमारी के इतने विकराल रूप धारण करने की वजह क्या है। और उस वक्त मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। रात का अंधेरा गोंडा जिले के इस गांव में इस वक्त बिजली का ना होना सामान्य बात थी, मगर इस अंधेरे में चलते हुए जिस हकीकत से हम रूबरू होने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं थे हम। हम जिस मंजर को देख रहे थे उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। हमारे सामने था एक ऐसा शख्स जिसे उसी के मां बाप ने पिछले 12 सालों से एक खूंटे से रस्सी से बांधा हुआ था, एक जानवर की तरह। आज वाकई अल्फाज नहीं है मेरे पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेमंत पांडे को, हेमंत पांडे जिन्हें खूंटे से बांध दिया गया है, मानो हेमंत पांडे कोई जानवर हो, और वो इसलिए कि पिछले करीब 13-14 साल से इन्हें दिमागी ज्वर है, यानी कि इंसेफलाइटिस, और ये है इंसेफलाइटिस की विरासत। इनका परिवार करे भी तो क्या करे, क्योंकि हेमंत पांडे पिछले कई सालों में न जाने कितनी बार यहां मौजूद जंगल की तरफ भाग चुके हैं, और इन्हीं की सुरक्षा के लिए इनके मां बाप ने इस तरह से उन्हें खूंटे से बांधा हुआ है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसेफलाइटिस इस तरह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम न सिर्फ हेमंत पांडे बल्कि उसी की तरह और न जाने कितने गुमनाम बच्चों की आवाज उनके चेहरे आप तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत मुश्किल है सर, क्या करें, मजबूरी है इसलिए बांध रहे हैं। कितने सालों से आपको बांधना पड़ा है? 13 साल हो गए सर। 13 साल से आप बांध के रखे हुए हैं, वजह क्या है, क्यों बांधते? भाग जाते हैं सर, जंगल है, जंगल की तरफ भाग जाते हैं,
कई बार पकड़ के लाए वहां से। बताइए, आप माँ हैं हेमंत की, आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस तरह से अपने बेटे को खूंटे से बांध के रखना? अब सर मुश्किल बहुत है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। अगर खाना ना बनाए तो कैसे खाना सभी लोग पाए, और इसीलिए बांधे रहते हैं। और दोस्तों, इस बीमारी को और इसके शिकार लोगों को मैं बाद में भी नहीं भूला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार ने दावा किया था कि हमने दो कार्यक्रम शुरू किए हैं, एक दस्तक एक, दूसरा दस्तक दो। और दावा यह कि जब से दस्तक एक और दस्तक दो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके बाद एंसेफलाइटिस के मरीजों में जबरदस्त कमी आई है। मगर उस वक्त वायर के लिए जो मैंने रिपोर्ट की थी ना, वो चौंकाने वाली थी। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कमी तो कुछ नहीं हुई है, अलबत्ता सरकार ने बहुत ही अदृश्य तरीके से डॉक्टर्स पर यह दबाव बनाया है कि वो अपने डायग्नोस्टिक स्लिप्स में, यानी कि जो मरीज आता है और उसके उपचार के लिए जब आप उसको एक पर्चा देते हैं, उसमें कहीं पर भी आप एंसेफलाइटिस ना लिखें। आप अलग अलग चीजें उसमें लिख दें, मगर आप कहीं पर भी एंसेफलाइटिस ना लिखें। आइए देखते हैं उस रिपोर्ट की एक और झलक। ये आवाजें उन लोगों की हैं जिन्हें नजरअंदाज करना हमारे हुक्मरानों का अंदाज बन गया है। मगर आज ये बातें आपके सामने हम क्यों ला रहे हैं? हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे सामने नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा आया था। यह आंकड़ा ये कहता है कि इसी साल जनवरी से जुलाई के बीच इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले मरीजों की तादाद 118 थी, मगर जब उसे अपडेट किया गया, यानी कि जब जनवरी से अगस्त का आंकड़ा आया, तो ये 110 हो गया। अब जनवरी से जुलाई वाला आंकड़ा गायब है। सवाल ये कि क्या किसी ने टाइम मशीन का इजाद किया और वो वक्त में पीछे गया और जो मरीज मरने वाले थे उन्हें बचा लिया? क्योंकि जब आंकड़ा आ चुका था जनवरी से जुलाई के बीच, तो जुलाई में आकर वो कम कैसे हो गया? लिहाजा ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बात की पड़ताल की जाए। और जो हमारा पहला पड़ाव है, वो पड़ाव में जो हमारी चीजें सामने उभर कर आई हैं, जो परिणाम सामने उभर कर आए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है आपके डायग्नोसिस पे, उस पर्ची पर एंसेफलाइटिस शब्द लिखने से। वो अन्य कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर एंसेफलाइटिस नहीं लिख रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या? क्या हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि एंसेफलाइटिस के मरीज हैं ही नहीं? इसकी पड़ताल हमने की उत्तर प्रदेश के 3 जिलों, गोरखपुर जिले का गांव मनैतीपुरा। रोहिणी के पिता बेसुध से खड़े हैं। बेटी को गुजरे 14 दिन हो चुके हैं। दो दो बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने कहकर वापस भेज दिया कि रोहिणी सामान्य है, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब मानो बस ये एक पर्चा रह गया है। इस पर्चे से स्पष्ट है कि रोहिणी को AES अक्यूट एंसेफलाइटिस था। रोहिणी को गुजरे 16 दिन हो चुके हैं। हम इस वक्त रोहिणी के घर के बाहर हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रोहिणी के घर के बाहर यहां पर बाकायदा योगी सरकार द्वारा जो दस्तक अभियान चला है उसका ये पर्चा भी है। अभी अजीबोगरीब विडंबना है कि ये पर्चा उस घर के बाहर लगा है जहां पर एक बच्ची की 11 साल की रोहिणी की मौत हो गई थी। एक बात बताइए, ये जो लगातार समस्याएं पेश आ रही थी राकेश कुमार जी, उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी, क्या ये खतरे की घंटी नहीं होनी चाहिए थी अस्पतालों के लिए कि कम से कम उसे और गंभीरता से लेते? क्या आपको लगता है वो गंभीरता लेने में वो चूक गए? हाँ, मुझे लगता है कुछ जरूर कहीं लोग चूके हैं। नहीं तो दो दो बार मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में जाने के बावजूद ये स्थिति बनी है तो कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं भी हमारे सिस्टम में जरूर दिक्कत है। तो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका वो नहीं कर रहे हैं, तो खैर तो होना ही था, जो होना है उसको हम लोग तो झेल ही चुके हैं। बाकी लोगों के साथ कुछ ऐसा ना हो नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि
मैं जब भी राकेश जी से बात कर रहा हूँ तो पीछे उनके परिवार की औरतों की सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं, और एक पिता के लिए, एक माँ के लिए उससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। देवरिया जिले के गांव अगस्तपार के रहने वाले अनमोल के मेडिकल पर्चे से साफ है कि मामला एंसेफलाइटिस का है, बस डॉक्टर ने लिखा नहीं है, क्योंकि पड़ताल में एक्यूट फिब्राइल इलनेस यानी तेज वायरल बुखार, सीजर यानी झटके और सेंसोरियम जैसे शब्दों का जिक्र है। बच्चा भी नहीं सुधरा है, मगर अस्पताल ने अनमोल को वापस भेज दिया है। आखिर क्यों? तो आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज स्लिप है इस बच्चे की, जिसमें लिखा हो एक्यूट फिब्राइल इलनेस, ठीक है। यही नहीं, आगे जब इनकी और डायग्नोसिस देखते हैं, जहां वो मोहक क्लिनिक और अस्पताल में गए हैं, यहां पर जी शीजर एंड एलिवेटेड सेंसोरियम यानी कि झटके लगते हैं और सेंसोरियम जो कि कहा जाता है, तो यहां पर भी कहीं पर हमने देखा कि एंसेफलाइटिस शब्द का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक्यूट फिब्राइल इलनेस यानी कि तेज बुखार जिससे बच्चे को झटके आते हैं और कुछ अजीबोगरीब सा महसूस होता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारा समाज एक ढोंग को जीता है। हम ये कहते तो हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मगर जब हमारे बच्चों से जुड़ी समस्याएं सामने उभर कर आती हैं तो हम इस तरह से उदासीन बने रहते हैं। क्या हो सकता है इसकी दूसरी बड़ी वजह भी हो, क्योंकि एंसेफलाइटिस जो है ना, वो ग्रामीण भारत के गरीब लोगों को होने वाली बीमारी है। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से इस पर हमारे हुक्मरानों का ध्यान नहीं गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से पिछले 2 दशकों से कम 1 लाख बच्चों की मौत हो चुकी है। सरकारें आईं, सरकारें गईं, किसी का भी ध्यान इन बच्चों पर नहीं गया, इस बीमारी पर नहीं गया। मेरी अपील है और मेरी उम्मीद है कि मौजूदा सरकार, क्योंकि देखिए इस वक्त चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या फिर केंद्र सरकार, हर जगह एक ही सरकार मौजूद है, एक ही विचारधारा की सरकार मौजूद है, लिहाजा अनाप शनाप चीजों पर ध्यान देने के बजाय हमारे बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। और अगर हमारे बच्चे इस तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे ना, तो इस देश के भविष्य में सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज़ क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।